नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। गुरुग्राम पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। गुरुग्राम पुलिस ने नाइजीरिया के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि दिल्ली एनसीआर में सबसे महंगे ड्रग का व्यापारी था। गुरुग्राम पुलिस ने 50 लाख की हेरोइन आरोपी से बरामद की। गुरुग्राम पुलिस ने कल देर शाम खेड़की दोला टोल प्लाजा के पास से आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। हमारी क्राइम टीम फरुखनगर के इंचार्ज अमित कुमार सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम ने एक इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक विदेशी नागरिक जो नाइजीरिया का रहने वाला था उसको काबू किया और उसकी तलाशी में 160 ग्राम हेरोइन बरामद की गई जो नशीला पदार्थ है। और इसके संबंध में जब उससे पूछताछ की गई तो अवैध रूप से रखना पाया गया और उससे जब उसका पासपोर्ट और वीज़ा चेक किए गए तो वो भी उसका वीज़ा यहाँ इंडिया में रहने का ख़त्म हो चुका था, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और पुलिस रिमांड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूछताछ पे इसने ये भी बताया कि मैं पिछले 6 महीने से इस तरह के अवैध धंधे में शामिल हूँ और दिल्ली और गुड़गांव में मैं इस तरह की ये ड्रग सप्लाई करता हूँ और अभी उससे बाकी जानकारियाँ ली जा रही हैं। पुलिस रिमांड के बाद और भी संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी वैसी वैसी कार्रवाई की जाएगी। ये जो हेरोइन हमने पकड़ी है इसके कब्जे से, इसकी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कई लाख रुपये की कीमत है। हम इस नशीले पदार्थ को यहाँ गुड़गांव में सप्लाई करने से रोक पाए, इसके लिए हमने आगे भी स्ट्रेटजी बनाई है। इस तरह का काम हम आगे भी जारी रखेंगे ताकि गुड़गांव के नवयुवक जो हैं वो इस नशे से दूर रह पाए। सर, इसने कुछ बताया कहाँ से लेकर आए थे, कहाँ इसने आके सप्लाई करना था ये नशा? हाँ बिल्कुल, इससे पूछताछ पे ये बात सामने आई है, दिल्ली से लेके आया था और यहाँ गुड़गांव में सप्लाई के लिए आया था। उन सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और आज पुलिस रिमांड के बाद उस पर और आगे जानकारी जुटाई जाएगी। ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उस सारे उसके बारे में जानकारी जुटा के और संभव कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति शामिल था और अभी इसके और भी कोई साथी होंगे, जानकारी में अगर इन्वेस्टिगेशन में आया तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। 160 ग्राम इसे हमने बरामद की है और उसको उसी के संबंध में केस रजिस्टर किया। इसकी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 50 लाख के करीब की कीमत। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।